देखो भाई, ए टू जेड सब कुछ खोल दिया। कहाँ पे इसका स्टॉक बैंड? स्टॉक बैंड, अच्छा एक्सीडेंट मार दिया है। सी बैंड में एक बार लेके आओ ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सी बैंड पाइप लगा रहे हैं, लगा नहीं रहे, वो वीडियो के आगे में पता चलेगा। वीडियो शूट कर लिया है मैंने, अभी इंट्रो बस शूट कर रहे हैं। तो पहले बोलेंगे आप लोग पूरा कमेंट करते कि सी बैंड पाइप का चाहिए, तो फाइनली सी बैंड पाइप तो हम लोगों ने लगा लिया। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को आवाज़ कैसा लगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना। होपफुली ये तो आप लोग अभी जो देखोगे वो आपको समझ में आएगा, फिर आप लोग आगे चलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, हमें 100 के पहुँचना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये BS6 का सी बैंड है ना, देखो तो लगा। उसका उसका बाहर निकालना, वो वाला ब्रैकेट ब्रैकेट पीछे कर। अबे नहीं जा रहा ना, हल्का स्टैक भाग रहा है, स्टैक पकड़ने से आ जाएगा। हमको लग रहा है आधा इंच वहाँ पे गैप बच जा रहा है। नया स्टैक दबाएंगे ना, हाँ तो आ जाएगा। ठीक है, वो तो फिर झमेला है कि वेल्डिंग वेल्डिंग वगैरह काम है ना। वेल्डिंग कहाँ होगा, इतना में देखा गया ना। फरहान एक मिनट इधर आओ ना, ऐसे छोड़ दे एक बार, ऐसे छोड़ दे। इसके अंदर जा नहीं रहा है ना, चला जाएगा। लेकिन स्टेक जो है ना वो वाला इधर टांटना होगा, हल्का हल्का मिक्स हो रहा है। लेकिन अगर इसको लगाता तो इसको सेट कर देता। इसको ये सब हटाना पड़ेगा तभी सेट होगा ना। ये रहेगा, एक रहेगा दूसरा हटेगा क्या? कि वो भी रहेगा, वो बस हल्का इधर आ। अच्छा, वो टनाएगा मतलब, वो गर्म करके टनाएगा मतलब। गर्म करके नहीं टनाएगा मतलब, ये जो है ना, हाँ उधर से जो है ना एक्सल रख करके ठोकेगा हल्का से तो इधर आ जाएगा ये। अच्छा, इधर आने के बाद इसको फिटिंग कर सकते हैं। फिटिंग कर मतलब इसका मुंह पूरा घुस जाएगा ना। हाँ हाँ, अगर ये लगाता तो इसका सेट कर दिया जाता, लेकिन ये अगर नहीं लगाएगा फिर बाद में वो लगाएगा। अच्छा, तो सी बैंड पाइप लगाने के लिए इसको, ये वाला जो स्टैक दिया हुआ है इसको थोड़ा सा टानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो जिसमें जाएगा नट बोल्ट वो फिट नहीं हो रहा, उसके लिए थोड़ा सा ठोक पीट करना पड़ेगा। और बाइक क्या हुआ, एक्सीडेंटल है, खतरनाक एक्सीडेंट किया है क्या? ब्रेक फुचा के आगे का पाइप फट गया है। नहीं यार, ये वो ना 4 किलोमीटर मात्र चला, टंकी लॉक खराब हो गया, पूरा लॉक किट नहीं। हाँ तो टंकी तो भी हम देखे गायब था, कितना चला हुआ है, जितना गंदा एक्सीडेंट मार दिया आदमी। बंदा बचा की गया, बंदा बच गया, आगे पीछे दोनों ब्रेक कुछ नहीं था। और इधर इनफैक्ट बेंड में भी डेंट मारा हुआ है ना, ये तो स्टॉक बेंड है, तो ये स्टॉक वाला बेंड तो हट जाएगा। तो स्टॉक बेंड ऐसे भी हट रहा तो सी बेंड लगा के देखते हैं। और अगर सेंसर वाला चाहिए तो सेंसर वाला भी मिल जाएगा। सेंसर वाला तो BS6 वाला वीडियो हम लोग बनाए ही है, लेकिन अभी सेंसर वाला शायद स्टॉक में नहीं है क्या? सेंसर वाला स्टॉक में भी है सेंसर वाला, लेकिन उसमें क्या कि सेंसर फोकस में लगाना पड़ेगा। सेंसर अभी खोलेंगे नहीं क्योंकि एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हुआ क्या करना, क्योंकि अभी जस्ट ये डेंट दिख रहा। अभी सिर्फ क्या, तुम ब्रेक बनाओगे वापस ये सब लगा के दे दोगे गाड़ी? देखो ना क्या करता है उसको, क्या मन लाना ही है। वैसे ही ठोक ठाक के निकालेगा उसको, अभी पकड़ ही कर रहे हैं ना। कुछ एग्जॉस्ट को लेके आ जाओ ना, कोई एग्जॉस्ट लेके आ जाओ। मत करो, वहाँ पे ढीला है ना, कुछ दिक्कत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा कुछ है, सुनो ना, वहाँ पे एयर लीक कर रहा है वहाँ से भाई। अभी हम इसको मैसी तरह टेस्ट कर दे रहे हैं, फायदा नहीं है क्योंकि उसका खाली इंजन का ही साउंड आ रहा है, एग्जॉस्ट का साउंड नहीं आ रहा है। ये थोड़ी ना होगा, छोड़ दो तब, उसको निकाल दो बाहर कर। इतना अगर झमेला है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मतलब प्रॉपर एक बन के आना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम फिर वहाँ पे ठोक पीट करके बजाना पड़ेगा। ठोक पीट दे इसको, अगर हम बोल्ट में टाइट करेंगे ना अभी, हाँ तो दिक्कत यही होगा, इसमें भी बैंड में दाग हो जाएगा समझा। और ये भी बैंड फिर इसको हमको दबाना पड़ेगा। अगर सिर्फ इसको ए भाई सिर्फ उसको डाल के देखो तो क्या, सिर्फ वो घुस रहा है देखो तो, ये तो घुस जाएगा, सिर्फ वो घुस रहा है तो उसको जरा दबाओ, पूरा जोर से दबाओ। अरे एक बार ट्राई करो,
ज़्यादा तगड़ा आवाज़ हो जाएगा। अब इसमें कोई एग्जॉस्ट लगा दो उसको, उसको 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 मेन बात वहाँ पे ढीला था ना, इसलिए वहाँ पे लीक कर रहा था। उसको तुमको टाइट से पकड़ना समझा, इतना जुगाड़ लगा के कर रहे हैं भाई, क्या का मतलब है? सब्सक्राइब नहीं करता है तो क्या बोलेंगे? तब फिर जरूर कुछ बात है। ये कौन सा लॉन्ग में ज्यादा तो ये देखो भाई, जबरदस्ती हम लोग टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंटल बाइक है, एक्सीडेंट होकर आया है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि नया बाइक में हम लोग कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं। और एक्सल वगैरह ठुका है वो तो बेंड वगैरह तो चेंज होगा, तो स्टॉक बेंड तो आराम से लग जाएगा। फरहान नहीं, एक्सीडेंट होकर आया इसलिए सिर्फ इतना कर रहे हैं, तो करता तू एक्सीडेंटल, अगर ये सब नहीं खुलता तो तुम नहीं करते ना। डेफिनेटली भाई कोई नहीं करेगा, उसको एकदम टाइट से पकड़ना समझे। छोटू को दे, उसको भी कपड़ा दे, एकदम टाइट से पकड़ना। देखो आवाज तो जब हम लोग बंद करो, उसको बंद करो, जब हम लोग वो वाला बैंड सिर्फ लगा रहे थे ना तब आवाज ऐसे ही कर रहा था, लेकिन जब तक ये टाइट कंप्लीट नहीं होगा ना पूरा खुलकर आवाज समझ में नहीं आएगा हम लोग को। चल निकल बाहर, इसको ऐसे रहने दो, थंबनेल ले लेंगे, ऐसे रहने दो, लगाओ हाँ वो वाली लॉन्ग पंजाब लगाओ ना उसको, समझा? वो ढीला है इसीलिए आवाज थोड़ा, मतलब कि इंजन का भी साउंड इसमें मिक्स हो जा रहा है। चल भाई हो गया, रख दे गाड़ी, वापस लगा दे ये तू, मतलब कि अगर हम लोग लगाते हैं सी बेंड पे, वही नीचे रखो, कोई झमेला नहीं है, कुछ करना नहीं होगा, बस क्या करना है यहाँ पे ही वाला बोल्ट एक, ये एक्सेल थोड़ा सा इधर मराया था, ये जो है ना हाँ। इसमें टाइट पहले कर लेगा, ठीक है, हल्का सा इतना दूर तक हाँ। तो वहाँ से ठोकेगा हाँ। तो थोड़ा सा पतला, ये थोड़ा सा मतलब हाँ, मतलब हर एक बात बताओ हमको हाँ। अगर वो ठोकते ठोकते टूट गया, टूटता नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती मार के तोड़ देता फिर झमेला है उसके लिए, फिर वेल्डिंग कराना ही पड़ेगा उसको, टप चला देगा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ठीक होता है, बहुत ठीक होता है। तो ये भाई संभल के करना पड़ेगा भाई साहब, अभी भी कर तो ये थोड़ा संभल के करना पड़ेगा आप लोग को। और सी बेंड लगाने से एक फायदा हो रहा था कि आवाज पूरा खुल के आ जा रहा था ना, कंप्लीट फ्री फ्लो हो जा रहा था भाई। और पटाखा वगैरह तो आप लोगों ने सुना कितना तगड़ा मर रहा था, क्योंकि सी बेंड पाइप से जैसा ये लगाने पे कोई भी एग्जॉस्ट पे लगाएगा इसका क्या बोलते हैं साउंड इंक्रीज कर जाएगा ना। और अभी ये ऑटो सेंसर के साथ नहीं है, ये वाला गर्म है भाई, कैसे समझा, बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे एक ऑटो सेंसर वाला भी आता है, तो वो वाला भी हम लोग नहीं लगाए, लेकिन ऑटो सेंसर वाला भी इसमें लग जाएगा, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगा सकते हो, लेकिन पूरा फ्री फ्लो हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। और एक और बात फिर से बोल रहे, कमेंट सेक्शन में कोई मत बोलना न्यू बाइक को ख़राब कर रहा है, ये बाइक एक्सीडेंटल है। जैसा देखो इसका आगे का ब्रेक भी दिखाते हैं आपको, ये वाला ही अपना, ये वाला उठा लो, छोटे वाला उठा के ले जाओ, स्क्रैच वगैरह लग जाएगा। नहीं तो दिखाते कहाँ कहाँ से एक्सीडेंट किए, ठीक है? एक तो टंकी तुम खोल के हटाए हुए थे, तो टंकी हम लगवाएं, एक आपको हम दिखाते, एक डेंट इसका, बेंड का डेंट देखिए, ये एक डेंट मारा हुआ है, और कहाँ कहाँ डेंट मारा, पूरा ब्रेक तो निकला हुआ है, पीछे का ब्रेक खत्म हो गया, आगे का ब्रेक देखिए क्लच आगे का ब्रेक क्लच बना दिए, और कहाँ पे और कहाँ मारा हुआ, वही बताएगा फरहान, और कहाँ पे फरहान, लीक कर गया आगे का ब्रेक का पाइप, पूरा फट गया, ब्रेक का पाइप फट गया पूरा। अरे भाई जिस टाइम लाने गया था ना उस टाइम आगे पीछे कुछ ब्रेक नहीं था, धीरे धीरे ला रहा था, तो इसलिए इस पे हम लोग टेस्ट किए, क्योंकि यार ये ऐसे भी खुला हुआ है, और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि एक बार लगा के देखिए। और अभी इस पे तुम क्या क्या करोगे, तुम सिर्फ ब्रेक बना के वापस स्टॉक जितना ब्रेक लगा के जो डेंट हुआ तो डेंट लगा के वापस शोरूम ही जाके फिर क्लेम होगा ना, क्लेम नहीं करेगा, तो वो ओनर का चॉइस भैया, वो समझे। हम लोग काम था सी बेंड पाइप लगा के दिखाना, अभी भी प्रॉपर वाला लगा के हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि कस्टमर का ये नहीं है इसमें, क्या बोलते हैं कस्टमर ने नहीं करवाया, ये हम लोग अपने कर रहे हैं। और अगर ये बेंड वो बेंड हट के अगर कस्टमर चाहे जब सी बेंड इसमें लगेगा प्रॉपर वाला तब हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो बेंड तो टूट चुका है पूरा भाई, टूटा नहीं डेंट लगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो भाई आप लोगों को मैंने फुल प्रोसेस बता दिया आप लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिबॉन आया था तभी आप लोग कमेंट कर रहे हो तो सी बेंड पाइप, तो देखो ऐसा कोई कस्टमर चाहता नहीं है, जब तक हम लोग वो जो कैट कैन आता है स्टॉक वाला
ये वाला कैट कैन को जब हम लोग हटा देते हैं और इसमें फ्री फ्लो लगा देते हैं तभी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। इसलिए कोई और चाहता नहीं कि पूरा सी बेंड पाइप मतलब कि कोई भी बेंड खोल कर दिखाएं, इसलिए अभी तक वीडियो नहीं आया था। और इसमें अगर आप लोग बोलोगे कि आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो किसी और की बाइक का, तो देखो यार सब कुछ खुला हुआ है, सब में डेंट वगैरह लगा हुआ है और मे भी वो कस्टमर आके सी बेंड पाइप लगवा सकता है। और जब भी इसका रूल क्या है, जब भी पीछे का ब्रेक बनता है ना, हाँ, तो रूल पाइप खोलना ही पड़ता है, तो खुलता है, उसमें टेस्ट कर लिए तो कैसा आवाज आता है, हम लोग को भी एक बार समझ में आ गया, आप लोग को भी समझ में। और उतना ज्यादा कुछ आप लोग देखोगे मैंने उतना कुछ हार्श नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ एक्सल के लिए थोड़ा सा मतलब कि ठोकना पड़ा। अभी वो कस्टमर अगर आता है, अगर उसको ये वाला बेंड नहीं लगवाना है, अगर वो हम लोग चाहे कहेंगे मतलब कि उनको दिखाएंगे जस्ट एज अ मतलब क्या बोल सकते हैं, ओनर अगर दिखाता है, शॉप का डीलर दिखाता है कि आप ये भी लगा सकते हैं, अगर वो लगाते हैं तब देखो इसमें पूरा वीडियो आ जाएगा। बस आप लोग एक छोटा मोटा आइडिया देने के लिए एक वीडियो बस इतना सा बनाएं, क्योंकि मेरे पास रिबॉन है नहीं। और आप लोग अगर छोड़ो क्या बोलते हो फरहान, रिबॉन ले लिया जाए ए? क्या मतलब 100K हो जाएगा तब ले लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। तो वो तो अब आप लोग पे भाई क्या लेना नहीं लेना आप लोग कमेंट करो। और अगर आप लोग अच्छा खासा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स अगर मेरा आते रहता ना तो भाई डेफिनेटली अभी तक कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। चलो एनीवेज वो तो बात की बात है, ये वाला कंप्लीट वीडियो हो गया रिगार्डिंग दिस सी बेंड। तो जहाँ तक मैंने बताया कि जब वो फ्री फ्रो जब लग रहा था तभी ना लाउड हो जा रहा था, इसलिए कोई लगवा नहीं रहा था। कंपनी दे रहा है, हाँ ये भी फ्री फ्लो है, ये भी फ्री फ्लो है, पूरा फ्री फ्लो है, एक जरा सा जाली नहीं है, मेन जाली जो है वही है। तो वो हटने के बाद ही आवाज़ इतना लाउड हो रहा था, इसलिए कोई टेस्ट नहीं कर रहा था और कोई चाह भी नहीं रहा था उतना खोल खाल करवाना, लेकिन बस आप लोगों को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने बताया। चलो एनीवेज अब जो बाइक ओनर है वो तो वीडियो देखेंगे ही, अब उनका देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी बात अभी आप लोग बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमें 100K पहुँचाओ यार, तब और तगड़ा तगड़ा कंटेंट लाएंगे हम लोग। क्या कहते हो, एक रिबॉन ले लिया जाए? ले चलो वीडियो बंद करते हैं, होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। और लॉन्ग पंजाब इसमें लगाए थे ना हम लोग, लॉन्ग पंजाब पतले मुंह वाला जो पटाखा अपने फूटने लगा था ना फिर। और देखो बेसिकली आधा से ज्यादा तो इंजन का साउंड था, थोड़ा सा बस साउंड आ रहा था एग्जॉस्ट के, इसलिए उतना क्लियर नहीं बना, लेकिन जितना भी बना आप लोग के आइडिया के अनुसार काफी सही बनाया मैंने, क्योंकि आप लोग एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्या करना है। इसका कोई परफेक्ट रिबॉन का भी सी बेंड नहीं आया अभी तक, आया तो ना, लेकिन ये जो हम अभी लगा करके देखे ना ये लग जाएगा अगर चाहेंगे तो। एक BS6 वाला भी आता है जिसमें बोले कि हमको लगाना है, तो हम फिक्स करके देंगे। अगर BS6 वाला वो जो ऑटो सेंसर वाला वो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है तो ऑटो सेंसर लग के आपको सी बेंड मिल जाएगा। चलो अब जितना इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने A to Z बताया, वीडियो करते हैं एंड, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।